हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकलेशियस। आज मैं आपको कोकोनट मिल्क पुलाव की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए आप देख लीजिए। कोकोनट मिल्क पुलाव बनाने के लिए मैंने एक ग्लास राइस लिया है, उसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए धो के साफ करके भिगा के रख दिया है। मैंने थोड़ा सा वेजिटेबल्स लिए हैं, कॉलीफ्लावर लिया है, पीस लिए है और कैरेट लिए है, जिसको धो के साफ करके रेडी रख लिया है। एक कांदा को स्लाइस करके रख लिया है और दो ग्रीन चिलीज ली है। बघारने के लिए थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, मैंने एक चम्मच जीरा लिया है, एक चम्मच बड़ी सौंफ ली है, चार लौंग ली है, दो इलायची ली है, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है, दो तेज पत्ता लिया है और 8 से 10 मैंने काजू लिया है। और ये मैंने कोकोनट मिल्क लिया है। एक गिलास चावल है, उसके लिए 2 गिलास मैंने कोकोनट मिल्क नारियल में से पीस के उसका दूध निकाल लिया है और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे। एक कुकर लिया है मैंने, कुकर में मैंने 4 चम्मच तेल भर के डाल दिया है और अभी इसमें जीरा डालेंगे। पहले जीरा क्रैकल हो गया है, अभी बड़ी सौंफ डाल देंगे। बड़ी सौंफ भी हो गई है, अभी बाकी लौंग इलायची दालचीनी ऐड कर देंगे। तेज पत्ता डाल देंगे, अभी थोड़ा सा काजू डाल लेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे काजू को। अभी प्याज डालेंगे और अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ग्रीन चिली से मैंने डाल दिया है और फ्राई करेंगे अच्छा। कांदा फ्राई हो गया है, अभी इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और भून लेंगे। जो वेजिटेबल्स कट करके रखे हैं वो डाल देंगे। और भून लेंगे वेजिटेबल्स को भी। ये हमारे वेजिटेबल्स भी थोड़े फ्राई हो गए हैं और अभी इसमें कोकोनट मिल्क डाल देंगे। ये मैंने 1 गिलास राइस लिए हैं, तो इसमें 2 गिलास मैंने कोकोनट मिल्क डाल दिया है और अभी राइस डाल देंगे और नमक डाल के मिक्स करेंगे इसको। पहले तो मैंने राइस डाल दिया है और नमक भी टेस्ट कर लिया है और अभी कुकर बंद करके 10 मिनट के लिए पकने देंगे। जैसे इसमें सीटी भरेगी वैसे इसको स्लो करके 10 मिनट्स के लिए रख देंगे और कुकर को खुद ठंडा होने देंगे। ये देखिए हमारा कोकोनट मिल्क पुलाव कितना खिल के आया है, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको सर्व करते हैं। देखिए अब इसको सर्व करते हैं। देखिए हमारे राइस कितने खिले खिले आए हैं। देखिए कितना अच्छे से हमारा कोकोनट मिल्क पुलाव बन के तैयार हो गया है। देखिए हमारा एकदम टेम्पटिंग कोकोनट मिल्क पुलाव बनके तैयार हो गया है। बहुत ही कलरफुल लग रहा है, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कोकोनट मिल्क पुलाव कैसे लगा है। और आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। कोकोनट मिल्क पुलाव की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।